हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यू चैनल टेद ऑफ नॉलेज सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सटेड की जो कि हमारी फिल्मिंग बुक के प्रोस से लिए गए हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस एक्सटेट को रीड करते हैं इसको डिटेल में समझते हैं इसके बाद हम इसके क्वेश्चन और इसके आंसर्स को भी देखेंगे आई स्टार स्कूल वेरी लेट दट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डेड ऑफ आई स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज आई एम एन हैड सेट दिट ही वुड क्वेश्चन पार्टिसिपल्स एंड आई डिट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम अब देखिए समझ लेते हैं इसको देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँगा यहां पर यह जो आई यूज हो रहा है आई यूज हो रहा है फ्रांस के लिए किसके लिए यूज़ हो रहा है फ्रांस के लिए याद रखिएगा आई जो है ये नरेटर है ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है इसको फ्रांस ही नरेट कर रहे हैं तो जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में जिसका नाम था द लास्ट लेसन तो उसको जो नरेट कर रहे हैं वो आई कर रहे हैं मतलब कि फ्रांस कर रहे हैं तो फ्रांस के लिए जो यूज़ किया जा रहा है आई यूज़ किया जा रहा है ठीक है तो यहाँ पे फ्रांस ही अपने बारे में बता रहे हैं ठीक है पूरी स्टोरी को फ्रांस ही नरेट कर रहे हैं तो याद रखिएगा फ्रांस के लिए यूज़ हो रहा है ठीक है अब देखिए इसका मतलब ये है कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए देर से निकला और मुझे डर था क्योंकि मुझे डांट पड़ने वाली थी तो यहां पर देखिए ये जो ट्रेड है ट्रेड मतलब होता है डरना भयभीत होना तो मैं उस सुबह स्कूल के लिए देर से निकला और मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे डांट पड़ने वाली थी बिकॉज मेरे जो टीचर हैं एम हेमल कौन टीचर मेरे एम हेमल मेरे टीचर हैं एम हेम एल ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे पार्टिसिपल पूछेंगे मतलब कि हम सबको जो होमवर्क मिला था वो होमवर्क था पार्टिसिपल्स जो कि ग्रामर का एक टॉपिक होता है और पार्टिसिपल्स का मुझे तो पी भी नहीं पता था मतलब कि पार्टिसिपल का मुझे एक भी लेटर नहीं पता था एक भी वर्ड नहीं पता था कि पार्टिसिपल्स होते क्या है इसलिए मैं डरा हुआ था और मैं स्कूल से भी स्कूल के लिए भी घर से देर से निकला था डे आउट ऑफ डोर कुछ पल के लिए सोचा के भाग जाते हैं और अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं अपना टाइम पास करते हैं और स्कूल ही नहीं जाते तो डांट पढ़ने से बच जाएंगे so warm, so लेकिन बाहर तो गर्मी थी बहुत ज्यादा ब्राइट थी मतलब की धूप में बहुत चमक थी धूप बहुत तेज थी बहुत ज्यादा गर्मी थी दर्ड्स एट द एज ऑफ दर्ड्स पक्षी जंगल के किनारे पर चे चाह रहे थे तो बच्चों चिरपिंग चिरपिंग मतलब होता है किनारा वर्ड मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट अमरीकी कन्वर्ट से ठीक है तो ओवरऑल पूरी लाइन का मतलब हुआ द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बर्ड्स पक्षी जंगल के किनारे पर चे जा रहे थे एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग और खुले मैदान में पर्शियन जो सोल्जर्स थे शामिल के पीछे ड्रिलिंग कर रहे थे शामिल मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर लकड़ियों को काटा जाता है जिसको आरा मशीन कहते हैं वहाँ पर लकड़ियों की कटाई होती है तो शामिल के पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे इट वॉज ऑल मच मोर देन द रूल ऑफ पार्टिस दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो सी ने पैटर्न बदल दिया है हमारा बट टेंशन मत लीजिए मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तो ये एक ऐप है फिलो चलो पहले डाउनलोड करो अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास ट्वेल्थ और क्लास टेंथ दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए यह एक बनी हुई है एग्जाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत हर एज की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है दूसरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव करेंट हो जाएगा और आप अपना क्लियर कर लो अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप मेंसेंट स्कोर टारगेट करोगे बट आई देंड ऑफ टू स्कूल ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा टैंप कर रही थी मतलब कि बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव कर रही थी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी पार्टिसिपल्स से ज्यादा इन चीजों की तरफ मन लग रहा था इन चीजों की तरफ अट्रैक्शन हो रहा था लेकिन ये मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी इतनी ताकत थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं और अपने स्कूल की तरफ चल पढ़ूँ तो वहाँ से मैं जल्दी से अपने स्कूल के लिए निकल लिया बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था क्लियर है बच्चों समझ में आया अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर को देखते हैं तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज द वर्ड ड्रेड मीन ड्रेड का आपको मीनिंग बताना है मैंने आपको भी बताया था ड्रेड मतलब होता है डरना मतलब कि फियर तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं फियर सेकंड दे रहे हैं एप्रीहेंसिवनेस और सी नंबर का दे रहा है ओ तो बच्चों तीनों का ही मतलब होता है डेड ये सभी के सभी इसके सिमिलर है तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा डी वाला जी डी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज मतलब कि फियर एप्रीव ओ इन तीनों ही का मतलब होता है डेड ये सिमिलर वर्ड है तो राइट आंसर होगा हमारा डी वाला ठीक है अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। हु इज आई इन दी अबव एक्सटेट ये जो एक्ससेट आया था ऊपर उस एक्सटेट में आई किसके लिए यूज हुआ है आप बताइए जल्दी से आप बताइए अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है डिटेल में स्टार्टिंग में मैंने आपको आई के बारे में बताया था आई फ्रांस के लिए यूज हुआ है। बिल्कुल सही आप गेस कर रहे हैं फ्रांस के लिए आई यूज हुआ है फ्रांस मतलब जो कि मेन कैरेक्टर है जो स्टूडेंट है तो फ्रांस के लिए आई यूज हो रहा है अकॉर्डिंग डे हाँ कैसा था तो देखिए ऑप्शन आप आपके सामने वार्म, ब्राइट, मतलब के वार्म था और ब्राइट था कोल्ड एंड डार्क था मतलब के थे और अंधेरा भी था सनी था या फिर रेनी था बारिश हो रही थी चलिए ऊपर दिखा देते हैं आपको प्रैक्टिकल क्या आएगा राइट आंसर आपने भी देखा था था ब्राइट था मिल गया आपको तो अब राइट आंसर आप बता दीजिए खुद बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर ए वाला होगा बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं वार्म एंड ब्राइट ठीक है क्वेश्चन आपका थर्ड का राइट आंसर होगा वार्म एंड ब्राइट मतलब कि वार्म मतलब होता है गर्म तो गर्म था बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ब्राइट था मतलब चमकदार था मतलब कि धूप बहुत ज़्यादा चमक रही थी ठीक है धूप में बहुत ज्यादा तेजी थी ठीक है फोर्थ नंबर की क्वेश्चन देखते हैं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी ब्लैंक स्पेस दैट मॉर्निंग तो देखिए ये तो आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे यहां पर लेट में से ठीक है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट मॉर्निंग तो राइट right आंसर आप यहां पे क्या लिख दीजिएगा फिलअप कर दीजिएगा इसको लेट से तो यहां पर राइट कर दीजिएगा लेट ठीक है लेट राइट, राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द बर्ड्स वर चिपिंग एट द ब्लैंक स्पेस ऑफ द बर्ड्स तो चलिए ऊपर चलते हैं और यहां पर देखते हैं ये वर्ड कहां से मिस हुआ है द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स तो राइट आंसर क्या होगा एज और एज का मतलब होता है किनारा तो यहां पर आप राइट कर दीजिएगा ई डी जी एज यहां पे डी साइलेंट है ठीक है डी को छोड़कर रीड करेंगे यहां पे डी साइलेंट है एज पढ़ेंगे इसको एज ठीक है एज ऑफ द वुड्स मतलब जंगल का किनारा तो द बर्ड्स वर व एज ऑफ द वुड्स तो पक्षी जो थे वो जंगल के किनारे पर चे चाह रहे तो यहां पे एज फिल कर ठीक है ये हमारा फर्स्ट था जो द लास्ट लेसन से गया था, फर्स्ट है उसका नाम है, लास्ट तो इसको में समझ लिया है और आई थिंक आपको समझ में गया होगा, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का चैप्टर से लिया गया है, तो इसको रीड करेंगे इसके क्वेश्चन को समझेंगे देखिए स्टूडेंट दूसरा सीन कुछ ऐसा है कि फ्रांस जब स्कूल के लिए जा रहे होते हैं ऑन द वे होते हैं तो वो किन चीजों को नोटिस करते हैं उनके साथ रास्ते में क्या क्या होता है ये सारी चीजों को यहां पर बताया गया है तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं इसको समझ लेते हैं इसके बाद हम इसके भी क्वेश्चन और इसके आंसर्स को भी कवर करेंगे आई द द टाउन हॉल अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी तो बच्चों यहां पर ये जो वर्ड यूज हो रहा है क्राउड तो क्राउड का मतलब होता है भीड़ और कहां पर थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन इन फ्रंट मतलब होता है के सामने किस के सामने किसके बुलेटिन बोर्ड ये जो बुलेटिन बुलेटिन बोर्ड बोर्ड वर्ड यूज हो रहा है का मतलब होता है नोटिस बोर्ड नोटिस बोर्ड को आपने नोटिस किया होगा नोटिस बोर्ड आप सभी ने अपने स्कूल में भी देखा होगा तो आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड लगा होता है यहां पर सूचनाओं को लगा दिया जाता है तो नोटिस बोर्ड जिसको कहते हैं बुलेटिन बोर्ड तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी कहां पर थी भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने तो याद रखिएगा जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा मतलब कि फ्रांस नरेट कर रहे हैं फ्रांस खुद बता रहे हैं कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थीड़ थी For the last two years, all our bad news had come from there the lost battles, the draft, the orders of commanding officers. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? फॉर द लास्ट two ईयर्स बेटल हमारे दो सालों से जो फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल और बेड न्यूज हेड कम फ्रॉम there मतलब कि पिछले दो सालों से हमारी सारी बुरी खबरें सारी बेड न्यूज वहीं से आ रही थी उस बुलिट बोर्ड पर हमें सारी बुरी खबरें दो सालों से देखने को मिल रही थी वो बुरी खबरें क्या थी लॉस्ट बेटल मतलब हमारे युद्ध हारने की ड्राफ्ट द ऑर्डर्स मतलब कि जो हमारे कमांडर ऑफिसर थे उनके जो कंपल्सरी मिलिट्री ऑर्डर्स थे उसकी खबरें आ रही थी इसके बाद मैंने बिना रुके हुए सोचा एंड आई थो टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए मैंने सोचा वट कैन बी द मैटर नाउ अब क्या मामला हो सकता है अब कौन सी बुरी खबर है जिसको पढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा क्राउड बुलेटिन बोर्ड के सामने जमा है तो ओवरऑल इसका मतलब ये निकला कि जब मैं बुलेटिन बोर्ड के सामने निकल जब मैं बुलेट जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ को नोटिस किया और वो जो नोटिस बोर्ड था वहां पर पिछले दो सालों से हमारी सारी बुरी खबरें आ रही थी जैसे कि हमारे युद्ध के हारने की या कंपलसरी मिलिट्री ऑर्डर्स की या फिर द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स और बिना रुके हुए मैंने सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है अब क्या बात है देन एज आई hurried by एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ इज reading रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड me मी डोंट गो सो फास्ट बब यू विल गेट टू school स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम आई he ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीज एम हेमल्स लिटिन गार्डन ऑल आउट ऑफ इसका मतलब ये कि जब मैं जल्दी से वहाँ से निकला क्योंकि ऑलरेडी मैं देर मुझे देर हो गई थी स्कूल के लिए मैं देर हो गई थी तो जितने जल्दी जा सकता था उतने जल्दी वहां से निकला वो जो ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वॉच्टर था उसने मुझे देखा और वो अपने सहयोगी के साथ था वो भी बुलेटिन बोर्ड पर बुलेटिन को रीड कर रहा था खबरों को रीड कर रहा था और मुझसे कहता है डोंट गो सो फास्ट पप इतने जल्दी मत जाओ बच्चे यू विल्लेट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब कि आप समय पर अपने स्कूल पहुंच जाओगे ये जो प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब प्लेंटी मतलब होता है यहाँ पे इनफ पर्याप्त तुम्हारे पास पर्याप्त समय है तुम जल्दी स्कूल पहुँच जाओगे मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं देर हो गई थी मुझे देर से ही स्कूल के लिए निकला था उसके तो बाद वो कह रहा है कि आपके पास टाइम है जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे तो मुझे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है इसके बाद मैं एम एम के लिटन गार्डन में पहुंच गया तो यहाँ पर एम एम के लिटन गार्डन में मैं हाफ़ते हुए पहुंच गया मतलब कि आउट ऑफ ब्रेथ मतलब होता है हाफ़ते हुए क्योंकि जल्दी, जल्दी जल्दी जा रहा था कहाँ पर पहुंच गया एम एम के लिटन गार्डन में जो कि जस्ट स्कूल के सामने था ठीक है अब इसके क्वेश्चन इसके आंसर को रीड करते हैं पहले क्वेश्चन है वेयर वाज द क्राउड गेदर्ड मतलब कि क्राउड कहां पर इकट्ठा थी गेदर् मतलब होता है इकट्ठा होना भीड़ कहां पर जमा थी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कहां थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी ठीक है क्लियर है सेकंड व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ प्लेंटी प्लेंटी के सिनोनिम्स क्या होता है इनफ तो राइट आंसर होगा इसका बी इनफ थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्राउड इन आपका बुलेटिन बोर्ड के सामने मतलब के भीड़ जमा की होती डी टू तो बैड न्यूज बुरी खबरों की वजह से डी टू तो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से ऑर्डर आया था तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज न्यू लैंग्वेज इंट्रडक्शन की वजह से या ऑल तो दी वप तो बच्चे उसका राइट आंसर होगा ऑल दी अब डी राइट आंसर सारी ही यहां पर जो खबरें हैं इस वजह से बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ जमा थी तो राइट आंसर होगा आपका डी वाला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वेर वाज द क्राउड गेदर तो वेयर वाज द क्राउड गेदर क्राउड कहां पर थी ये मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ आ गए इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड तो कहां थी क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड तो राइट आंसर लिख दीजिएगा इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी ठीक है फिफ्थ नंबर का वेर डिड फ्रांस रीच आउट ऑफ ब्रेथ तो हफते हुए फ्रांस कहां पे पहुंचे एम हेमल्स के लिटिन गार्डन पहुंचे तो यहां पर लिख दीजिए एम हेमल्स लिटिन गार्डन एम हेमल्स लिटिन गार्डन तो एम हेमल्स के लिटिन गार्डन में फ्रांस हाफते हुए पहुंच गए थे कहां पे पहुंचे थे एम हेमल्स लिटिन गार्डन तो एम हेमल्स तो के लिटन गार्डन पहुंच गए ठीक है क्लियर है ये हमारा सेकंड एक्सटेट कंप्लीट हुआ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सटेट की तरफ देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट एक्स्टेप एक इसको हम पहले रीड कर लेते हैं इसके बाद हम इसके क्वेश्चन इसके आंसर को देखेंगे अब देखिए अब सीन कुछ ऐसा है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है फ्रांस जो है वो अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनके जो टीचर हैं एम वो क्लास ले रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या कुछ सीन है इसको हम यहाँ पर रीड करते हैं इसको समझते हैं After the grammar, we had a lesson in writing. That day, MML had new copies for us, written in a beautiful round hand. Franz Alsace, Franz Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. अब इसका मतलब समझ लेते हैं तो देखिए आफ्टर द ग्रामर मतलब कि ग्रामर के बाद हमारा जो लेसन था राइटिंग का लेसन था उस दिन जो एम थे जो कि हमारे टीचर थे वो अपने साथ न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे तो याद रखिए क्या लेकर आए थे एम न्यू कॉपीज़ तो यहाँ पर न्यू कॉपीज के बारे में बताया जा रहा है एम हमारे लिए क्या लेकर आए थे कॉपीज लेकर आए थे जिन पर लिखा हुआ था सुंदर सुंदर अक्षों में राउंड वर्ड थे उसमें लिखा हुआ था फ्रांस अलजेज फ्रांस अलजेज मतलब कि फ्रांस ल्ज वहाँ पे राउंड वर्ड्स में लिखा हुआ था दे लुक लाइक लिटिल फ्लैक्स वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि लिटिल फ्लैक्स हो जिनको फ्लोट कर दिया हो जिनको स्कूल रूम में ऊपर हंग कर दिया हो जिनको लटका दिया हो वो ऐसे फ्लोट कर रहे थे राइट से जिनको लटका दिया हो इस तरीके से वो जो वर्ड्स थे ब्यूटीफुल तरीके से लिखे हुए थे यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा सब लोग बिजी थे कितने ज़्यादा इंगेज थे हर एक अपने काम में बिजी था एंड हाउ क्वाइट इट वॉज बहुत ज़्यादा शांति था सब कुछ शांत था दी ओनली साउंड जो साउंड आ रहा था वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पे पेंस के चलने का साउंड आ रहा था पेपर पर जो पेंस चल रहे थे उसका साउंड क्रिएट हो रहा था वनस हम एक बार क्या होता है बीटलेस फ्लू इन बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू दैन कुछ कुछ जो इंसेक्ट रहते हैं वो क्लास में आ जाते हैं लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता सब इतने ज़्यादा इंगेज रहते हैं कि वो जो इंसेक्ट क्लास में आ जाते हैं तो उन इंसेक्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कोई उसकी तरफ अटेंशन नहीं देता है नॉट इवन द लिटिल वंस वो जो छोटे बच्चे वो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं हु वर्क राइट एंड ट्रैसिंग देर फिश हुक्स तो वो फिश उक्स को ट्रेस कर रहे होते हैं एज इफ देर वॉज फ्रेंच फ्रेंच टू ऑन द रूफ द पीजेंस और रूफ मतलब कि छत पर वो जो पीजेंस रहते हैं कूड वेरी लो उनकी भी आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा स्लो एंड आई थॉट मैंने सोचा माई सेल विल दे मेक देम सिंग इन अर्मन इवन द पीजन्स क्या अब वे जर्मन पीजन मतलब पीजन्स को भी जर्मन बोलना सिखाएंगे मतलब कि हमें तो अब जर्मन बोलना पड़ेगी मजबूरी में क्या अब ये जो लोग हैं ये क्या इन पीजर्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे ठीक है क्लियर है ना अब हम आगे इसको क्वेश्चंस को रीड करते हैं इसके आंसर को समझते हैं व्हाट हेड मीट एम एम एल ब्रॉड फॉर एवरी हर एक के लिए क्या लेकर आए थे भाई कॉपीज लेकर आए थे तो राइट आंसर होगा सी कॉपीज लेकर आए थे मतलब लाना ठीक है वाट डीटलेस बीटल का मतलब क्या है अभी मैंने आपको बताया था ये होगा इन्सेक्ट तो होगा इसका बी इंसेक्ट ठीक है थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच लैंग्वेज वाज टू बी टॉक इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाना थी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए आप जल्दी से बताइए कौन सी लैंग्वेज पढ़ाना जाना पढ़ाई जाना थी मतलब के फ्रेंच लैंग्वेज के प्लेस पर कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाई जाना थी जी हाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाना थी कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाना थी जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाई जाना थी क्योंकि फ्रेंच के स्थान पर वहाँ पे उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कहा था जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना थी है बच्चों तो ये एक्सटेड भी हमारा कंप्लीट हो गया अब देख लेते हैं हम फोर्थ नंबर के एक्सटेट को तो ये रहा हमारा फोर्थ नंबर का पहले हम इसको रीड करते हैं इसको समझते हैं इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को भी कवर करेंगे देखिए वाला है इसके डायरेक्टली आंसर कवर करेंगे हमने समझ लिया इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके आंसर को समझ लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक से गया है किससे लिए गया ये क्वेश्चन बैंक से लिए गए तो डायरेक्टली हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं इसको रीड करने की जरूरत नहीं है द बुलेटिन बोर्ड के सामने तो देखिए ऑल दिया बता दिया वही व बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर बुलेटिन बोर्ड किस लिए फेमस था भाई बेड न्यूज के लिए फेमस था बुरी खबरों के लिए फेमस था सारी बुरी खबरें बुलेटिन बोर्ड पर

Question आपका सिक्स है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वास्टर ब्लैक स्मिथ का मोटिव क्या था जब वो कह रहा था कि डोंट गो डोंट गो सो फास्ट मतलब इतनी जल्दी मत गया तो उसका मतलब क्या था तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा टू रिडिक्यूल फ्रांस मतलब कि फ्रांस को परेशान करना फ्रांस के मजे लेना थे तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ए वाला ठीक है ठीके? क्लियर है ना ये हमारा फोर्थ नंबर का एक्स्टेट था कौन सा था फोर्थ नंबर इस तरह से हमने द लास्ट लेसन के सारे इंपॉर्टेंट एक्स्टेट को कवर कर लिया है आई होप आपको ये एक्स्टेट समझ में आ गए होंगे अब आपके एग्जाम में इसमें से अगर कोई एक्स्टेट पूछा जाता है तो उम्मीद है कि आप इसको सही सही कर पाएंगे आप इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे अब जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसके अलावा जो हमारे चैप्टर्स रह गए मतलब कि द लॉस्ट स्प्रिंग इसके अलावा जो भी हमारे चैप्टर्स रह गए उनके एक्सटेट को हम कवर करने वाले हैं लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स वॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग